ये यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है। मैं गिरिराज हिंदू बन के जा रहा हूँ स्वामी दीपांकर जी के नेतृत्व में। ना इसमें बीजेपी से कोई लेना देना, ना इसे जदयू से कोई लेना देना, ना इसे एनडीए से कोई लेना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने से पहले बेगूसराय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा, ये यात्रा एक गैर राजनीतिक यात्रा है। मैं गिरिराज हिंदू बन के जा रहा हूँ स्वामी दीपांकर जी के नेतृत्व में। न इसमें बीजेपी को लेना देना है, न जेडीयू को कोई लेना देना है और न ही एनडीए से कोई लेना देना है। ये यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है। मैं गिरिराज हिंदू बन के जा रहा हूँ स्वामी दीपांकर जी के नेतृत्व में। ना इसमें बीजेपी से कोई लेना देना, ना इसे जदयू से कोई लेना देना, ना इसे एनडीए से कोई लेना। वही AIUDF के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल के बयान पर गिरिराज सिंह ने जमकर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये वही लोग कहते हैं जो भारत को भारत माता नहीं मानते, उनको भारत पर भरोसा नहीं है। संसद पर बोलने वाले की आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है और वक्फ बोर्ड कांग्रेस की नाजायज औलाद के रूप में है, जिसने कह दिया वक्फ बोर्ड जो कहे वही सही। कांग्रेस ने ये हालात पैदा किए। देश में कहीं कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो खुद कब्जा करे और खुद न्याय दे। कांग्रेस ने ये बोर्ड को अधिकार दिया, इसे खत्म कर देना चाहिए। मैं कहता हूँ ये वही लोग कहते हैं जो भारत को भारत माता नहीं मानते हैं, उनको भारत पर भरोसा नहीं है। संसद पर बोलने वाले की आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है और बक बोर्ड कांग्रेस का नया नाजायज औलाद के रूप में है, जिसने कह दिया कि बक बोर्ड जो कहे वही सही। ये कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा की देश में। देश में कहीं कोई ऐसा संस्था नहीं जो खुद कब्जा करे और खुद न्याय दे। यही बक बोर्ड को कांग्रेस ने अधिकार दिया, उसको खत्म करना चाहिए। इधर राहुल गांधी के द्वारा कश्मीर में लोकतंत्र खत्म करने के बयान पर गिरिराज सिंह ने तीखा निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत में गृह युद्ध हो, इसीलिए वो हमेशा इस तरह की बात करते हैं, कानून को नहीं मानते। अगर उनको इतना ही था तो कांग्रेस को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। भारत में चाहते हैं गृह युद्ध हो और इसीलिए वो हल्की बात करते हैं, कानून को वो नहीं मानते हैं। अगर उनको इतना ही था तो कांग्रेस को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। बहरहाल देश भर में हिंदू स्वाभिमान का मुद्दा गर्म है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह स्वामी दीपांकर के साथ भागलपुर के बिहपुर पहुंचे। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हमें सब त्यागना पड़े तो हम त्याग देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।